ये यहाँ पे ना लैंडस्लाइड हुआ, कितना गंदा ट्रैफिक लगा हुआ है, देख रहे हो कितनी खतरनाक। भाई 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 ओ भाई भाई बहुत ही ज्यादा लीन हो गई थी भाई साहब, अल्टीमेट यार। यहाँ पे एक बार भगा लेते हैं, ये पहुंच गए हम, पता नहीं ब्यास नदी कौन सी नदी है, पर कोई सी तो नदी है ये। हो गया चलान, इधर ले आ इसको, हो गया चलान अब। ओ भाई यार गूगल मैप नहीं ना देखना तो ऐसे होता है। वो आगे आगे खतरनाक वाला ऑफ रोड, भाई सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे यहाँ पे मेरे। चलो 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 ये लो। हाँ तो गाइस कैसे सब, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग देखा था, सैटरडे को हम निकलने वाले हैं मंडी, चंडीगढ़ का ट्रिप है। एक्चुअली मैं आपको पता ही है कि बाइक की बुकिंग के लिए जा रहे हैं। देखो भाई अपनी प्रिपरेशन बस इतनी थोड़ी, 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ और साथ में फ्रेंड के घर जाना है, फ्रेंड के रूम पे रुकना, तो वो सब कुछ वहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सामान है अपने, एक दो कपड़े हैं, कुछ गैजेट्स हैं इसके अंदर ही हैं। इस तरह से की है मैंने, यहाँ पे भी बॉडी टच नहीं हो रही है, यहाँ पे भी बिल्कुल माइनर सा देखो। और बाकी मैंने टेपिंग वगैरह भी कर दी हुई है एजिस वगैरह पे अच्छे से, ताकि स्क्रैच वगैरह ना लगे। फॉल स्टार्ट भी कर दी हुई है अपनी, ब्लू हो ही नहीं है, गंदी है, जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट व्लॉग में कि इसको वॉश करेंगे देन उसके बाद निकलेंगे, बट टाइम नहीं लगा यार। ये देखो पूरी गंदी है सारी, यहाँ से भी सारी गंदी है, आगे से भी फ्रंट से भी पूरा फुल पावर, तो आगे कहीं धुलाएंगे इसको। अभी निकलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम रिसेंट वीडियो के कमेंट्स भी रीड कर लेते हैं। सबसे पहले कमेंट आया वो है विनय व्लॉग्स HP, और जो सेकंड नंबर पे कमेंट आया वो है फ्लाइंग स्कल, और जो थर्ड नंबर पे कमेंट आया वो है अंकुश ठाकुर। अभी जाओ जल्दी से नीचे कमेंट कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो शाउट आउट मिल जाए। निकलते हैं अभी और सीधा मैं आपको मिलता हूँ सेटअप पे। टाइम देख लो कितना हुआ है, 2 बजने वाले, 153 हो, तो ऐसे रख लो कि 2 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या बजा हुआ है यहाँ पे आके आगे से। इसको ना ट्रिप 10 कर लेते हैं, अपने को पता लगे कि अपन कितने किलोमीटर का ट्रिप करके आए हैं। ट्रिप 10 कर दी हुआ, देखेंगे भाई एंड में। फ्यूल रेंज अभी 210 किलोमीटर की बता रहा है। बोल्ट, हाँ ठीक है ठीक है, फिर बोल्ट ओके भाई, मिलना तो है नहीं तूने, पर चल खेल रह गया बेचारा मेरा बोल्ट। चलो गाइस निकलते हैं अभी, बहुत दूर जाना, ब्लू पे लॉन्ग ट्रिप है हमारा। मैंने पीछे वैसे सामान ढंग से बांधा हुआ है, बट एक बंजी कोड एक्स्ट्रा डाली हुई है, अगर जरूरत पड़ी तो भाई बांध लेंगे, मजा आने वाला अपने को। बारिश होने वाली है भाई यहाँ पे, जल्दी जल्दी निकल जाऊँ यहाँ से तो सही रहेगा। एक बार बैग को देखना पड़ेगा, जहाँ पे फ्यूल अप करवाना है वहाँ पे देख लूंगा भाई, कहीं निकला वगैरह तो नहीं है। अभी पहुंच गए गगल, यहाँ पे करवाते हैं फ्यूल अप, देन उसके बाद सीधे निकलेंगे, फिर अपने कोई दिक्कत नहीं होगी। फुल करनी है सर, ये लो गाइस तो फ्यूल अप करवा लिया। एक बार ना इसको चेक कर ले तो हिलेगा, तिलेगा तो नहीं ना। कितना गंदा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है यहाँ पे कांगड़ा में, बस इस गाड़ी से आगे निकल जाऊँ एक बार, फिर उसके बाद एक और गाड़ी है वो चेंज करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गाड़ी है यार। ये यहाँ पे ना लैंडस्लाइड हुआ हो ना, और देखो भाई कितना गंदा ट्रैफिक लगा हुआ है, ये देख रहे हो कितना खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। पहली बार अपनी ब्लू पे हम जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे, फर्स्ट ट्रिप अपनी ब्लू के साथ, और ये हमारी ब्लू पहुंची टनल में। फ्रंट लाइट ऑन कर देते हैं फुल पावर हाई बीम, देख रहे हो कितनी खतरनाक। ओ भाई 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 खतरनाक ही सीन, ग्राउल करती है ना भाई ब्लू जब, खतरनाक ही तरीके से भाई, नेक्स्ट लेवल। ओ भाई भाई बहुत ही ज्यादा लीन हो गई थी भाई साहब, अल्टीमेट यार, इतनी ज्यादा लीन हो गई थी ना, ग्रिप भी नहीं बची थी टायर में यार, एक लेवल होता है इसका भी, 3-4-5 मेरे को तो लग रहा है 5K भी अपन पार हो गई थी ये बाइक, लीन एंगल में। ओ भाई साहब, ना मैंने ब्रेक लगाई ना मैंने थ्रोटल दिया, ज्यादा लीन भी नहीं करेंगे यार, बड़ी ज्यादा लीन हो जाती यार, पता भी नहीं लगता है। ओ भाई भाई भाई, गिव रिस्पेक्ट टेक रिफेक्ट, अपने साथ दो हो गए शायद, ये आगे से सीधा चल जाएगा निंजा वाला राइडर, मैं लेफ्ट ले लूंगा। रेस लगी अपनी RC 390 वर्सेस निंजा 300, जाओ भाई जाओ ओके। क्या ही फील आया यार यहाँ पे, एक राइट को हो गया एक लेफ्ट को हो गया भाई साहब, अल्टीमेट। पर यहाँ पे अब तो आ गया खतरनाक वाला हाईवे, अब मजा आएगा भगाने का। लास्ट टाइम गाड़ी लेके गया था ना मैं, तब भी हम यहीं से गए थे, ज्यादा नहीं भगाएंगे क्योंकि आपको पता ही है, एक तो यार ये लीन इतनी होती है ना पता भी नहीं लगता है भाई, लीन होगी खतरनाक तरीके से भाई, और अब बस इतना लीन एंगल सही है, कितना मक्खन रोड है, और कुछ नहीं चाहिए बाइकर्स को, बस ऐसे रोड चाहिए। ऐसा लग रहा है मेरे को मैं अभी चंडीगढ़ पहुंच गया हूँ, देख रहे हाईवे कितना खतरनाक है। मैं अगर ज्यादा हाई स्पीड पे चलता हूँ तो मेरे माइक में साउंड सही से नहीं आती, मेरे को देखना पड़ेगा यार कुछ सीन, यहाँ पे एक बार भगा लेते हैं। ब
बस 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 भाई बैग ना उड़ जाए भाई पीछे विंड ब्लास्ट से। बारिश का मौसम बन गया ना, अभी तक 46 किलोमीटर ही हुए हैं, 110 किलोमीटर अभी और जाना हमने। बारिश नहीं होनी चाहिए यार, बारिश होगी ना तो भीग जाएंगे, क्या फायदा। अपने पास ना रेन कोट है ना कुछ है, अपनी टेंशन ही है मेरे को ना गैजेट्स की टेंशन है और गोप्रो की। ये भाई अपना ज्वाला जी मंदिर, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम, चढ़ जा भाई ऊपर ही चढ़ जा यार। ट्रैफिक लगा हुआ ना फिर भी पीछे से होंक कर रहा, ये बड़े गंदे वाले स्पीड ब्रेकर होते हैं यार। ये पहुंच गए हम पता नहीं ब्यास नदी कौन सी नदी है, पर कोई सी तो नदी है ये। देखो भाई कितना खतरनाक है यार, यहाँ पे रुक सकते थे हम बट अभी टाइम नहीं है इतना रुकने को, अभी तो मतलब पानी का लेवल कम है, पूरी फुल हो ना उस टाइम पे सारा ढक जाता है उधर उधर तक। दौड़ क्रॉस कर लिया हमने, अपने को भूख भी लगी है, ब्रेकफास्ट ही करा बस घर पे। अभी ऐसा करते हैं हमीरपुर पहुंच के हम लंच वगैरह करेंगे, तो नहीं मतलब कुछ खा पी लेंगे जो भी होगा। क्या मेरे को हाथ कर रहा भाई, क्या बंदा ये, मैं अपनी लेन पे चला हूँ खुद दूर राइट पे चला हुआ है भाई, क्या अजीब ही है यार बंदे, मतलब बंदे डर जाते हैं यार जब लीन वगैरह हो रही हो बाइक या कोई ओवरटेक करके निकले ना, डरते हैं बंदे पता नहीं क्यों यार। कोई कैफे वगैरह नहीं है, कोई ढाबा नहीं है, कोई बर्गर वगैरह के मिल जाए वही खा लेंगे, ऐसा ना हो कि मैं पहुंच जाऊं मंडी और कुछ मिले नहीं अपने। यहाँ पे यार यहाँ पे खा लेते, बड़ी ज्यादा भूख लगी है सर। एक बर्गर भी, अपना खाना पीना भी हो गया, यहाँ पे निकलते हैं, जितना भी आया ना उतना ही जाना अभी हमें। चलो 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 चलो, देख रहे भाई कितना सही जंगल है यार, ऊपर देख रहे पूरा फुल पावर ढका हुआ। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है अंदर को घुस जाएंगे, मेरे को लगा वहां को घुस जाएंगे, कुछ भी भाई। चलो अभी हम 76 किलोमीटर आ चुके हैं, जितना भी आए हैं ना हम 76 किलोमीटर वो हमने कंप्लीट कर रहे हैं यार। आई डोंट नो कितने इसमें कंप्लीट कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने टाइम नहीं रखा हुआ सामने, बाकी जितना आए हैं ना हम 76 किलोमीटर ना ही हमने अभी आगे कंप्लीट करना है, देन उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आगे ना मेरे को ठंड लग रही है, मंडी साइड मेरे को लग रहा ना ठंड होने वाली है। मजा आ गया भाई ये ओवरटेक करके, सही में इतनी अपील पे मैंने ये ओवरटेक करा ना, अगर इस टाइम पे अपनी क्रेटा होती नहीं हो पाना था ये ओवरटेक। ये हो गया चलान, इधर ले आ इसको, हो गया चलान अब। भाई भी हंस रहा मेरे को देख के। ओ भाई मुझे लगता है ट्रक ने मार दी हुई है यार गाय, तभी खड़े हैं ये इतने सारे लोग, इतने ज्यादा लोग तभी खड़े हैं क्योंकि किसी आदमी को भी लगी होनी है। तो मेरे को हीटिंग का अभी लगा पता, दो फैंस तो लगाए हैं, फिर भी भाई ऐसा लग रहा ना यहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बाहर को हवा मार रहे ना, वो ऐसा फील आ रहा ना मुझे आग के सामने बैठा हूँ टांगे रख के, इतनी गर्म हो चुकी है मेरी टांगे, बहुत गंदी हीट मार रहे हैं। मंडी लेफ्ट पूछ लेता हूँ एक बार, यहाँ पे मंडी लिखा था लेफ्ट साइड, यार गूगल मैप नहीं ना देखना तो ऐसे होता है। ये है मंडी के लिए भाई, ये तो सही है, मैंने बोर्ड पढ़ लिया निकल गया था भाई, ऐसे सूटा सूटी ऐसी गर्म फेंक रही है ना टांगों पे, फील ही नहीं हो रहा कि मतलब यहाँ पे ठंड भी है यार। इन टर्न्स में चल चल के ना थक गए हूं मैं, सही बता रहा हूं, फर्स्ट ट्रिप होगी मेरी लॉन्ग इतने टर्न्स में, बाइक लेके कभी नहीं आया हूं मैं इतने टर्न्स में, फर्स्ट टाइम ही गया हूं। एक फर्स्ट ट्रिप लगाई थी बट वो थी मेरी अमृतसर की, तो वहां पे इतना कुछ एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा भी हो रहा। मजा आ रहा है यार यहाँ पे चलाने का, बस ये कि अगर नॉन हो ना ये रोड फुल पावर लीन, एक भी पोर्ट होल नहीं है भाई इस रोड पे, सही बता रहा हूँ मैं, टोटली लीन गेम चलेगी यहाँ पे तो। ओ भाई 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 साहब ब्यूटी चेकआउट करो गाइस, अपनी मंडी साइड की ब्यूटी भाई देख रहे हो, यहाँ पे ना राइट साइड पे खड़े होते हैं गाइस। अभी ऐसी कुछ जगह पे रुका हूँ मैं, ये देखो भाई अपनी ब्लू और ये देखो साथ में ग्रीन, ब्लू ग्रीन मतलब ग्रीन पहाड़, हमने वहाँ पे जाना, वो जो गाड़ी दिख रही ना। बाकी यार बाइक को भी थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी और हम भी रेस्ट कर लेंगे, GoPro की बैटरी भी चार्ज लगा दी, ये डेड हो गई थी अभी जस्ट यहीं पे डेड हुई, मैंने सोचा था अभी रुक के जाते हैं और चेंज भी कर लेंगे, रेस्ट भी हो जाएगी। पानी वगैरह तो मैंने लिए नहीं है क्योंकि इसमें डालना कैसे थी यार बोतल, ये देखो ये पूरा
पूरा पीस ऐसे ना कटा हुआ जैसा ना, ऐसे लग रहा दो पीस। बोतल तो डलनी नहीं थी तो मैंने ली भी नहीं। अब वैसे ना 20 किलोमीटर ही रहा है सीधा, अब भाई के पास पहुंचेंगे तभी पियेंगे। मैंने घर से निकलने से पहले ना पूरा हेलमेट क्लीन करा था अच्छे से पानी वगैरह से, गिल्ले कपड़े से। और ये देखो फिर बुरी हालत हो गई है, देखो ये पंख वगैरह, पंख ये किसी का मुंह है, पता नहीं क्या गया, गंदा हो गया सारा। रेस्ट कर लेता हूं, देन उसके बाद मिलता हूं आपसे भाई। अभी निकलते हैं, करते हैं इस अच्छे से व्यू को। बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलेंगे किसी और दिन। चलो भाई निकलते हैं, अभी बड़ा टाइम हो गया, 20 किलोमीटर ही बची अभी अपने डेस्टिनेशन। ओ यहाँ से जाएंगे हम वो वहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा है यार सही में। सोलो राइड कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल। यहाँ पे पानी है आई थिंक, चलो कोई नहीं, बात नहीं है, बंद है पानी यहाँ पे। अब आगे पियेंगे, 20 किलोमीटर ही रहा, कोई चक्कर नहीं। हर जगह पे यहाँ पे ना लैंडस्लाइड्स हो पड़े हैं, धुंध वगैरह देखो कितनी पड़ रही है, यानी कि मॉर्निंग में यहाँ पे खतरनाक ही धुंध होने वाली है भाई। वो देखो ऊपर पूरे पहाड़ों पे धुंध ही धुंध, फोग यानी कि फोग, इंग्लिश में बोले तो फोग। ये आगे अब सिंगल रोड, पूरा रोड की कंडीशन बहुत खराब है। 13 किलोमीटर है नीर चौक यहाँ से। चलो भाई फंस गए, ये पूरा सिंगल रोड और तीन तीन ऑयल के टैंकर चले हुए हैं आगे। वो आगे आगे खतरनाक वाला ऑफ रोड भाई, सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे यहाँ पे मेरे। काम लगा हुआ है यहाँ पे, ये सारा काट रहे हैं इसको, आई थिंक रोड बनना होगा ये नया। ओ भाई गंदा हो जाएगा मेरा। चलो 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 चलो, ये लो। और ये थर्ड ओवरटेक, ओ भाई साहब कसम से मैं तो पूरा गंदा हो गया होगा, पूरा मिट्टी से। ऐसी जगहों पे भाई ट्रैक्शन कंट्रोल बड़ा काम आता है, ऐसी जगहों पे फुल पावर थ्रोटल दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बाइक स्किड नहीं होगी, थ्रोटल की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी अब आप बिल्कुल गंदे तरीके से चलाओगे तब तो हो जाएगी भाई। बहुत गंदा रोड है यार सही बताऊं तो, बहुत ही गंदा रोड है भाई। इतनी बड़ी लॉरी, इतनी बड़ी बड़ी लॉरियां लेके यहाँ से जा रहे हैं सिंगल रोड से, दूसरी गाड़ी को तो रास्ता नहीं मिलेगा। बुरी हालत है भाई साहब, देख रहे पूरा मिट्टी से भर गया हूँ मैं। हाँ घुस जा, तू घुस जा भाई, अब तू घुस जा, इतने ट्रैफिक जाम में फंस गया था, अब तू भी जमा जा। आ मोटे और भाई बस बढ़िया, कैसा रहा सफर आपने? भूल जाना इसलिए मैं भूल गया, सारा देख रहा था पहले कहीं आता तो है राइट साइड को। ये है गाइस इसके रूम के लिए रास्ता, कॉलेज तो आके है 1 किलोमीटर है। पहुंच गया अभी फाइनली इसके घर, घर रूम जो भी है दिखाते हैं बाकी इसका रूम आपको। वो अलग बात है कि स्टार्ट होते खत्म हो जाएगा। ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है ना आपको, ये बिल्डिंग इसका घर। आगे कर ले तू थोड़ी सी स्कूटी। गाइस पहुंच गए अब हम मोटे के घर। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं मोटे के रूम में, जैसे कि आप जानते ही हो इसको। और ये अपने क्या नाम भाई आपका? ऋतिक भाई। दैट्स इट, यही था, और बाकी जो भी है आगे का रहता है कंटिन्यू रहेगा। मिलते हैं भाई कल।